बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मंसूर नाजो। इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, यानी वाटर को मेंटेन करने में किडनी का क्या रोल है, ये हम पढ़ने वाले हैं। द वाटर पोटेंशियल कैपेसिटी टू लूज वाटर ऑफ ब्लड इन द बॉडी हैज़ टू कीप कॉन्स्टेंट बिकॉज बिग एंड सडन चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। वाटर पोटेंशियल होता है जो कैपेसिटी होती है, सलाहियत होती है पानी को लूज़ करने की ब्लड की बॉडी के अंदर, वो यानी कि कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा तब्दील होगी या जल्दी तब्दील होगी वाटर पोटेंशियल, तो नतीजे में यानी बहुत से सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। इफ़ प्लाज्मा बिकम्स वेरी मच डाइल्यूट, वाटर विल इंटर द ब्लड सेल्स विल स्वेल एंड पॉसिबली बर्स्ट। यानी अगर हम बात करें कि कौन से मसाइल होते हैं, तो यानी अगर जो प्लाज्मा सेल्स हैं, जब यानी ज़्यादा जो है डाइल्यूट वाटर यानी ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होता है, तो नतीजे में वो इंटर होता है ब्लड सेल्स के अंदर, नतीजे में वो स्वेल अप हो जाते हैं, पॉसिबली वो बर्स्ट भी हो सकते हैं, वो फट भी सकते हैं, तो नतीजे में सेल्स डाई करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ द ब्लड प्लाज्मा बिकम्स टू कंसनट्रेटेड, यानी अगर ब्लड प्लाज्मा जो है ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, उसमें ज़्यादा सॉल्यूट्स मौजूद हैं, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस, नतीजे में पानी जो होता है वहाँ से बाहर मूव करता है ऑस्मोसिस की मदद से। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द ब्लड सेल्स, नतीजे में जो ब्लड सेल्स होते हैं टिश्यू विल बिकम डिहाइड्रेटेड एंड श्रिंक, नतीजे में वो जो टिश्यू होते हैं या सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, सूख जाते हैं। दिस कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन, ये जो कंट्रोल है पानी का और साल्ट कंटेंट का बॉडी के अंदर, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, या ऑस्मो रेगुलेशन को आप मेंटेनेंस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। किडनी इज नॉट ओनली एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट आल्सो रेगुलेट्स वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, किडनी ना सिर्फ ऑर्गेन है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, पर यह हमारे पानी और साल्ट को बैलेंस रखता है ब्लड के अंदर। किडनी मेक्स श्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड स्टेज मोर आर लेस कॉन्स्टेंट, यानी किडनी जो होती है ये इसका यकीन बनाती है कि जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो यानी कॉन्स्टेंट है, ज़्यादा या कम कॉन्स्टेंट है, तो इस चीज़ का यानी ख्याल रखती है, जिसे हम यानी कहते हैं, यानी किडनी को हम कहते हैं कि ये जो है मेन ऑर्गेन है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के दो कंडीशंस हो सकती हैं, अगर वाटर कम हो या वाटर ज़्यादा हो। तो अगर वाटर कम हो तो क्या होगा, अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, उसको नॉर्मल वापस नॉर्मल करने में। तो आइए देखते हैं, स्वीटिंग लॉस ऑफ H2O, यानी स्वीटिंग होगी अगर पानी जो है ज़्यादा है, तो नतीजे में वो लॉस होगा स्वीटिंग से। वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड डिक्रीज, नतीजे में वाटर पोटेंशियल जो होगा पानी का कम हो जाएगा। एडीएच हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, नतीजे में एडीएच हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब H2O इनटू सेल, तो कलेक्टिंग डक्ट जो होगी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी सेल में, कैपिलरीज में। यूरिन प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, नतीजे में यूरिन जो होगा थोड़े मिकदार में पैदा होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस, नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा होगा, तो नतीजे में वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड रिटर्न्स टू नॉर्मल, नतीजे में वाटर जो पोटेंशियल होगा ब्लड का वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये कब होगा, यानी जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, तो एडीएच हार्मोन रिलीज हो रहा है। एडीएच हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो आके क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को ज़्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब करेगा, नतीजे में जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिलीज़ होगा और थोड़े मिकदार में रिलीज़ होगा, और उसके बाद क्या होगा, जो हमारे वाटर पोटेंशियल है ब्लड के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगी। इनटेक ऑफ H2O बाय ड्रिंकिंग, यानी ड्रिंकिंग की मदद से हम पानी ले रहे हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड इंक्रीज, नतीजे में वाटर पोटेंशियल जो होगा इंक्रीज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज लेस HDH, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा कम मिकदार में HDH पैदा करेगा। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब लेस H2O इनटू सेल, तो जो कलेक्टिंग डक्ट होगी वो कम मिकदार में पानी को जज़ब करेगी सेल में। कैपिलरीज रेनिन प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस, यानी जो रेनिन होती है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होगी और डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड
रिटर्न्स टू नॉर्मल, नतीजे में जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टिमुलस मिलेगा, अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही तब भी स्टिमुलस होगा ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को। अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही तब भी स्टिमुलस पैदा होगा ब्रेन को, सेंटर को मिसेज जाएगा। सो उसके बाद वो नॉर्मल वापस वाटर पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। सो स्टूडेंट दिस ऑल अवर टुडेस लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।